अगर आपको शाम के नाश्ते में झटपट कुछ बनाकर खाना हो और वो बनाने में भी आसान हो तो ऐसी ही एक रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो आज की हमारी रेसिपी है गुलगुला, जो बच्चों को बेहद पसंद आती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक केला ले लेंगे और इसे थोड़ा मेस लेंगे। इस तरह से, और इसमें ही थोड़ा गुड़, ये करीब दो चम्मच के आसपास, दो बड़े चम्मच के आसपास है। एक साथ इसे मिस लेंगे। अब देखो गुड़ और केले को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसमें एक कटोरी आटा मिलाएंगे, दो चम्मच के आसपास ये सूजी लिया है मैंने, सौंफ, सौंफ से थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाता है, और ये एक चम्मच के करीब चावल पाउडर। चावल पाउडर देने से थोड़ा ये और खस्ता बनता है, कुरकुरा सा बनता है। और यह है एक चम्मच तेल। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को दूध के साथ अच्छे तरह मिलाएंगे। ये एक कप के आसपास दूध लिया मैंने। धीरे धीरे हम दूध के साथ इस तरह मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब थोड़ा सा नमक इसमें डालने से इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। इसे अच्छी तरह देख के मैंने फेंट लिया है, कोई लम्स भी नहीं है इसमें। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद गैस को आप सीम कर दें और हल्के आंच पर गुलगुला तलना है। इस तरह से एक एक गुलगुला तलना है। ये बहुत आसानी से बन जाता है और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इसे। तक मेरी रेसिपी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी तरह आपको इजी और अच्छी रेसिपी मिलती रहेगी।